मुझे एक दिक्कत पता क्या लगी कि जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो ना, कई बार वो स्टॉक होता ही नहीं है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी आपको, टू बी फ्रैंक। उसके महंगे होने का रीज़न पता क्या है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद प्रोडक्शन नहीं करता है उन स्टॉक्स की, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टॉक है, कुछ भी है, बेड हो गए, फर्नीचर, मतलब कुछ भी, मोबाइल फोन्स, कुछ भी आप ले लो ना, ज़्यादातर वो सारा एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रियों से। आपने देखा होगा जब भी आप बाय करोगे ना, तो वहाँ पर लिखा होगा मेड इन मलेशिया, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन वियतनाम, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान। अलग अलग कंट्रीज से हर एक चीज़ आती है ऑस्ट्रेलिया में, और उसका प्रभाव पड़ता है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि वो चीज़ महंगी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर जो है वो पैसे तो खर्च कर सकता है, लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको वेटिंग करनी पड़ती है। मैंने आज बेड लिया है क्वीन साइज़ का, और मुझे दूसरा जो बेड पसंद आया था उसकी वेटिंग थी 10 से 12 दिन की, अप्रॉक्सीमेटली 7 या 10 दिन की। अगर आपको एमरजेंसी में लेना पड़ रहा है या मतलब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी चीज़ लेनी है ना, वो आपने ये करना है कि महीना पहले जाओ। सीधी सी बात है, मेरे फ्रेंड ने एक काउच लिया था, और उस काउच को आते आते कम से कम 2 से 3 महीने लग गए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगी प्रॉब्लम। और नेक्स्ट आता है कि आप वेयर हाउस से उठाओगे खुद। ये मैं वेयर हाउस आया हूँ, यहाँ पर मुझे सामान लेना है सारा, और गाड़ी अपनी बड़ी लेके आना, क्योंकि कई बार क्या होता है, सामान होता है बहुत ज़्यादा बड़ा और आपकी 7 सीटर गाड़ी में नहीं आ सकता। अभी मैंने जो लिया है वो बॉक्सेस में मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बॉक्स में मिलेंगी। और अगर आप डिलीवरी कराते हो, उसके चार्जेस अलग होते हैं। अगर वो फिक्स करेगा आपके घर के ऊपर आकर एम्प्लॉय, उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो ऐसा करा के ना, मतलब बेड मान लीजिए आपका एक आया है 700 का या 800 का, ऊपर से आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस फिक्स करने के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अभी मैं वेयर हाउस में हूँ, लेने आया हूँ, तो मैंने वो बेड चूज़ किया जो ऑन द स्पॉट मिल जाए, क्योंकि मुझे एमरजेंसी में लेना था। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी है। और मैं JB Hi-Fi को चीज़ लेने गया, अपने फ्रेंड के साथ मोबाइल देखने गया, और उस आज है संडे, बहुत ज़्यादा रश है, स्टाफ होता है कम तकरीबन, और बहुत बिजी होता है, ठीक है। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लग गया, कोई स्टाफ ही नहीं आया। मैंने उसके पूछा, भाई मैं तो इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन फ्रेंड का सिलेक्ट है, लेकिन कोई आया ही नहीं। मतलब आपने अगर कोई चीज़ बाय करनी है, तो आप कोशिश करो सैटरडे संडेज़ को मत जाओ, रश बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको छुट्टी ही सैटरडे संडेज़ होती है, उस केस में आप सुबह जा सकते हो, मॉर्निंग में आपका टाइम बचेगा, बिकॉज टाइम इज़ मनी। यहाँ पर लोगों के पास मैंने देखा है, पैसा ज़रूर है खर्च करने के लिए, टाइम नहीं है। तो आप ये सारी गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है ना, तो वो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो ये देखो ऐसे काम होता है, पीछे भाई साहब जा रहे हैं मेरे, तो काफ़ी खुली जगह है। ये सारा स्टोर ही है, चेक करो, बड़ा बड़ा स्टोर है ऑस्ट्रेलिया में। हर एक वेयर हाउस इसके पीछे मैं आया हूँ, जेप्स क्रॉस, ठीक है, जेप्स क्रॉस। और ये ए मार्ट, एक होता है के मार्ट, एक होता है ए मार्ट, और एक बाकी भी हार्वे नॉर्मल में भी आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी सारी फर्नीचर की दुकानें हैं यहाँ पर, शोरूम बने हुए हैं, जेप्स क्रॉस एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर आप घूमो फिरो, एक मैंने बेड साइड्स भी लेने थे, एक जगह के ऊपर बेड साइड, एक बेड साइड का प्राइस जो था वो 200 something था, हमने छोड़ दिया भाई, 259 something, 249 मुझे याद नहीं। लेकिन मैं दूसरे शोरूम के ऊपर गया, उसके जैसा मिलता जुलता तकरीबन 19-21 का फ़र्क, और मुझे वो सस्ते में मिल गया, ठीक है। तो फर्नीचर अगर आपने बाय करना है, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने रहना ही ऑस्ट्रेलिया में है, अगर आप अपना घर ले लेते हो, चाहे रेंट के ऊपर ही ले लेते हो, तो क्यों ना खुद नया बाय करो। उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपने नया बाय किया, बाकी फेसबुक मार्केट से भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये भाई साहब ने सामान छोड़ा है, ये वाला बॉक्स पहले से था, ठीक है, और ये 1, 2 और 3 ये बॉक्स। अब दूसरी जगह से लेने चलते हैं मैट्रेस, क्योंकि मैंने जो बेड फ्रेम है दूसरी जगह से लिया है, मैट्रेस मैंने दूसरी जगह से लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे अच्छे नहीं लगे थे। तो चलते हैं दूसरी प्लेस। देखो मैट्रेस लास्ट टाइम मैंने लिया था ना, वो खुला हुआ था, अब इन्होंने मुझे मैट्रेस जो दिया है, ये देखो पहिए लगे हुए हैं, बॉक्स में है,
ये सबसे बढ़िया रहता है, आपको गाड़ी में कैरी कर सकते हो। नहीं तो लास्ट टाइम मैंने लिया था क्वीन साइज़ बेड का मैट्रेस, तो वो मुझे ट्रक में लेके आना पड़ा था, या आप डिलीवरी करवा सकते हो, तो ये ज़रूर चेक कर लेना एक बार। सारा सामान ले लिया जी, जा रहे हैं घर की तरफ। अब मैं दूसरे स्टोर में आया हूँ, चेक करो पीछे, ऐसे स्टोर बने होते हैं बड़े बड़े। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और इन द एंड चलो आप घर में चलो। इन द एंड ये याद रखना है, सारी चीज़ें महंगी हैं, ऑस्ट्रेलिया में कमाई भी है और चीज़ें भी महंगी हैं, ठीक है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आपको अपना घर मिल जाता है, यूनिट मिल जाता है, या आप अपने लीज ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब आपको अपना इंडिपेंडेंट मिल जाता है हाउस या जो भी, तो आप अपना बाय करो नया, क्योंकि ये सदा बाहर है। मैंने हर एक चीज़ नहीं ली है, उसकी वजह क्या है मुझे पता है, मुझे यहीं पर रहना है। जब मैं अपना घर का अपना घर लूँगा खुद का, उस टाइम के ऊपर देख लूँगा कि नया मुझे दोबारा लेना है कि नहीं। अगर उस टाइम के ऊपर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब एक और बात, बेड का फ्रेम चाहे आप थोड़ा सा हल्का ले लेना, लेकिन बेड के जो मैट्रेस हैं वो अच्छे से लेना। सोना अपने बेड के मैट्रेस के ऊपर है, सिर्फ बेड फ्रेम के ऊपर नहीं है। और बस यही चीज़ें होती हैं बताने वाली। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट कर दो मुझे कुछ और चीज़ पूछनी है तो। लो जी, ध्यान ना ध्यान ना, ये पहले वहाँ से लो, वहाँ से उठाओ, फिर यहाँ पर रखो।